नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। ओमिक्रॉन से देश में खतरे की घंटी बजी है तो लगातार जो है एंटी स्वास्थ्य अमले की सुस्ती चिंता बढ़ा रही है। स्वास्थ्य अमला सीएम के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है और लगातार ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं। सीएम ने 70,000 सैंपल की जांच करने का आदेश दिया था, एक हफ्ते बाद भी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। रोज 50,000 से 58,000 के बीच सैंपल लिए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार जो हैं भारत में बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर एमपी स्वास्थ्य अमले की सुस्ती चिंता का विषय बनी हुई है, जहां देश में लगातार हर राज्य से ओमिक्रॉन के केस निकलकर सामने आ रहे हैं और इन केसेस में इजाफा प्रतिदिन हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य अमले की सुस्ती चिंता का विषय बनी हुई है। स्वास्थ्य अमला सीएम के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है। सीएम ने 70,000 सैंपल की जांच करने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य अमला ढीला रवैया अपना रहा है और इन निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है। एक हफ्ते बाद भी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं किया है स्वास्थ्य अमले ने। रोज 50,000 से 58,000 के बीच ही सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि 70,000 सैंपल की जांच करने का निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। 20,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, ओमिक्रॉन से देश में खतरे की घंटी है, लगातार हम देख रहे हैं कि हर राज्य से अब ओमिक्रॉन के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं और वहीं मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य अमला है वो अभी भी लापरवाही पूर्वक रवैया अपना रहे, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब बिल्कुल देखिए पूनम, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके मामलों को बढ़ने नहीं दिया जाए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली जाए और इन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मॉनिटरिंग को उस वक्त बड़ा झटका लगता है जब स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती के चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सारे मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की और इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की कि जिस तरीके से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में खासी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों की बढ़ सकती है। और क्योंकि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो पड़ोसी राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की बात करें, तो इन राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी तो बजी गई है, साथ ही साथ इस बारे में भी लगातार अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचार कर रहे हैं कि जो सुविधाएं और जो कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई थी उन व्यवस्थाओं को किस तरीके से एक बार फिर से पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है और कोरोना के जाना जो है वो तय नहीं हो पा रहा है किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए। इन सभी बातों को लेकर समीक्षा की जा रही है, सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर तमाम बैठकें आयोजित की जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती कहीं ना कहीं इसको लेकर असरकारक साबित नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब दिशा निर्देश जारी किए थे तो उस दौरान ये भी कहा था कि प्रदेश भर में 70,000 से ज्यादा जो है वो सैंपल लिए जाएं, ताकि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के जो मामले अगर आ सकते हैं या उनकी संभावना है तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस पूरे दिशा निर्देश को लेकर हीला हवाली करता हुआ नजर आया है। और जो है स्वास्थ्य विभाग का अमला हीला हवाली करता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने जबकि निर्देश दिए हैं जांच के सैंपल 70,000
जांच की जाए, लेकिन स्वास्थ्य अमला अभी भी लापरवाही बरत रहा है और कहीं ना कहीं इसी तरीके से अगर स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही पूर्ण रवैया रहा तो ओमिक्रोन का खतरा मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे।